Let's do question number 30 of exercise 6B, that is coordinate geometry. Question number 30 is, the base QR of an equilateral triangle PQR lies on the x-axis. वो कह रहा है equilateral triangle है PQR जिसका base QR है वो x-axis पे lie करता है. The coordinates of the point QR जो Q का coordinates है -4 and 0 and the origin is the midpoint of the base. और ओरिजिन मिड पॉइंट है बेस का. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड आर, और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पी और आर के. तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं. ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. अब वो कह रहा है पी क्यू आर, ये मान लीजिए पी है क्यू है और आर है, राइट. अब वो क्यू को कह रहा है, क्यू का कोऑर्डिनेट है -4 and 0. अब आगे क्या कह रहा है कि एंड द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस. ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है. तो मान लीजिए ये ओरिजिन है जिसको हम डी मान लेते हैं और वो है 0 0, और हमें पी आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो कैसे निकालेंगे देखिए. अब हमें ये तो पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं. अब मिड पॉइंट का थ्योरम का फॉर्मूला लगाने से पहले हम पहले लेट कर लेते हैं. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी है हमारे x1 y1 और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 and y3. तो ये कितना आ गया देखिए, Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 हो गया हमारा -4, क्योंकि x1 y1 और x3 y3 हमें निकालना है, और y2 हो गया हमारा 0, राइट. और हमारा D जिसे हम x और y कह सकते हैं वो 0 है, और y भी हमारा 0 है, राइट. तो अब मिड पॉइंट थ्योरम में हम x मानते थे, x कैसे निकालते थे, अब ये इसका मिड पॉइंट है और इसको हमने x2 y2 और x3 y3 माना है. तो x2 plus x3 upon 2. अब x क्या है हमारा 0 है, x2 हमारा -4 है, प्लस x3 upon 2. अब 2 इधर गया मल्टीप्लाई में तो 0 ही आया, -4 plus x3, तो x3 कितना आ गया 4, उधर जाके प्लस का हो गया तो प्लस का 4, x3 आ गया हमारा 4. अब हम एक चीज़ देखेंगे कि ये ऑब्वियस है कि y ये ओरिजिन है, यहाँ पे y क्या होगा 0 होगा. देखिए q पे भी 0 है, d पे भी 0 है, तो r का पॉइंट भी 0 ही होगा. आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं. देखिए मैं यहाँ पे y निकाल रही हूँ, y का फॉर्मूला भी यही होगा y2 plus y3 upon 2. तो y हमारा 0 है, y2 कितना है हमारा, y2 भी 0 है, प्लस y3 upon 2. 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 equals to y3, तो y3 हमारा 0 हो गया. तो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा पॉइंट r, कोऑर्डिनेट ऑफ r है हमारे 4 and 0, राइट. अब हमें p का कोऑर्डिनेट और निकालना है. तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये ग्राफ है, यहाँ ये हमारा D पॉइंट है ओरिजिन पे, ये Q है और ये R है और ये P है ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर वर्टेक्स से ही आएगा. तो ये पॉइंट पे अगर यहाँ पे ये पॉइंट Y एक्सिस पे है तो X क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, राइट. तो हमारा x1 हमें पता चल गया और y1 हमें निकालना है, राइट. तो हमने x1 0 ही रखा. अब y1 कैसे निकालेंगे देखिए. अब अगर मैं ये कहूँ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एज इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ All sides equal, तो हम ये कह सकते हैं कि PQ equal है QR के
और क्यू आर इक्वल है आर पी के, तो हम आप कोई ये तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से अब हम कोई भी दो साइड्स इक्वल कर सकते हैं और उनके डिस्टेंस को निकाल के हम वाई निकाल सकते हैं, ये वाला हम वाई वन निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने पी क्यू को क्यू आर के इक्वल रखा। क्यू आर क्यों लिया, क्योंकि हमें इसी के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता थे, वा क्यू के भी और आर के कोऑर्डिनेट्स पता थे, तो हमने इसलिए क्यू आर ले लिया। लेकिन ये रूट्स में आएंगी डिस्टेंस, तो हमने यहीं की यहीं स्क्वायरिंग कर ली जैसे हम पहले कर रहे थे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया हमारा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अब हमें रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, अब पी क्यू में हम पी क्यू देखेंगे, ये वाली साइड देखेंगे। अब ये था हमारा एक्स वन वाई वन, ये था एक्स टू वाई टू। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना था, दैट इज़ माइनस फोर एंड ज़ीरो, यहाँ हमने लिख दिया माइनस फोर एंड ज़ीरो। और आर का कोऑर्डिनेट था हमारा दैट इज़ फोर ज़ीरो, ये हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। ये हमारा पी क्यू है, पी क्यू के केस में हम क्या फॉर्मूला डिस्टेंस का लिखेंगे, दैट इज़ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब क्यू आर के केस में क्या लिखेंगे, क्यू आर के केस में क्या लिखेंगे, दैट इज एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स टू है हमारा दैट इज माइनस फोर, माइनस फोर में से माइनस हुआ ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 टू दैट इज़ ज़ीरो में से y1 वन माइनस हुआ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी तरीके से x3 है 4, 4 में से माइनस हुआ माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस y3 है हमारा ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस हुआ का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया, माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर माइनस माइनस प्लस, तो फोर प्लस फोर इज एट, एट का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो। तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस फोर फोर ज़ा सिक्सटीन प्लस माइनस माइनस प्लस वाई वन का होल स्क्वायर एट, एट ज़ा सिक्सटी फोर। तो ये कितना आ गया, देखिए ये आ गया वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्सटी फोर, और देखिए सिक्सटीन उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस सिक्सटीन। तो वाई वन का स्क्वायर कितना आ गया, 48, तो y1 कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 48। तो स्क्वायर रूट में से देखिए क्या निकल सकता है बाहर, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y1 को, दैट इज प्लस माइनस का 4 रूट 3 लिख सकते हैं हम। तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट P आ जाएगा हमारा 0 4 रूट 3 और 0 माइनस 4 रूट 3 इज़ द आंसर।